नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइबर बुल्फ पे। मेरा नाम है प्रिंस और मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। तो हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी साइबर सिक्योरिटी की, तो आज हम उसे आगे बढ़ाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसका नाम है हाउ टू यूज़ काली लिनक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज इस वीडियो में हम कुछ टूल्स और कमांड्स समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और साथ साथ मैं अपना नोटपैड भी ज़रा, सॉरी माउस पैड, इसे माउस पैड बोलते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये डॉलर का सिग्नेचर देख रही हो, ये काली यूज़र का होता है, ठीक है। और ये जो सिग्नेचर है, ये होम डायरेक्टरी का यूज सिग्नेचर है, ठीक है। और हमारे पास एक सिग्नेचर होता है हैश, ये रूट यूज़र का होता है। और ये स्लैश, ये रूट डायरेक्टरी का होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको रूट डायरेक्टरी में चला गया, ये सब रूट्स की फाइल है, ठीक है। यूज़र के नहीं, रूट्स मतलब जैसे हमारे विंडो की कुछ फाइल्स होती है ना, वैसे ये वो फाइल्स होती हैं रूट, ठीक है। और ये होम डायरेक्टरी, ठीक है। होम डायरेक्टरी मतलब जहाँ से हम इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से। यहाँ हमें डेस्कटॉप पे जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हैं डाउनलोड, जहाँ हमारे मेन मेन वो डायरेक्टरीज होती है, उसे होम डायरेक्टरी के कह सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर कर देते हैं यहाँ से, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। समझ गए, जो स्लैश होता है वो रूट डायरेक्टरी होता है, जो हमारा ये वाला सिग्नेचर है, ये होम डायरेक्टरी, ठीक है। और जो हमारा डॉलर का सिग्नेचर है, ये काली यूजर या अदर यूजर, ठीक है। और जो हमारा हैश सिग्नेचर होगा, ये हमारा रूट यूज़र, यानी कि हम जिसे एडमिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास कमांड आती है, उसका नाम है PWD, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है प्रेजेंट, ठीक है, मतलब अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट अभी, ठीक है। वर्किंग, जहाँ काम कर रहे हैं। और डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, ठीक है। तो उसने बता दिया हम होम काली में हैं, ठीक है। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमांड आती है CD, ठीक है। CD मतलब करंट डायरेक्टरी, नाम से पता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एक क्लियर, मतलब क्लियर कर देना, मतलब जो भी हमने कमांड्स लिखी होंगी वो क्लियर कर देता है, ठीक है। क्लियर दी टर्मिनल, ठीक है। अगर कोई, उसके बाद हमारे पास कमांड आती है एक CD डबल डॉट स्पेस डबल डॉट, ठीक है। ये होता है वन स्टेप बैक,
मतलब अभी आप जिस डायरेक्टरी में हो, ठीक है, उस डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे आना, ठीक है। एक होती है हमारे पास सीडी स्पेस डबल डॉट स्लैश डबल डॉट, ठीक है, इसका काम है टू स्टेप बैक। मैं आपका इसकी वर्किंग भी करके बताऊंगा, ठीक है, पहले आप देख लो कौन कौन से टूल्स हैं मेरे पास, कमांड्स हैं हमारे पास जो मोस्टली यूज करते हैं, MKDIR, ठीक है, MK यानी कि मेक, ठीक है, मेक मेक DIR मीन्स डायरेक्टरी, ठीक है, RMDIR, RM मतलब रिमूव, DIR मीन्स डायरेक्टरी, ठीक है, लेकिन रिमूव ए एम्प्टी यानी कि खाली डायरेक्टरी, जो फोल्डर खाली होगा, ठीक है, उसको रिमूव कर सकती है, सिर्फ उसी को ही ओनली लिख देता हूँ यहाँ पे, ओनली, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड है हमारे पास RM स्पेस हाइफन आई, ओनली रिमूव टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, विद दी परमिशन, ठीक है, मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल को आप रिमूव कर सकते हैं, फिर वो आपसे परमिशन मांगेगा कि इस फाइल को डिलीट करना है कि नहीं डिलीट करना है, ठीक है। और एक हमारे पास और है RM स्पेस हाइफन RF इजिकल टू मतलब समझ ना, रिमूव रिमूव दे डायरेक्टरी या फाइल विदाउट परमिशन, ठीक है, कुछ भी, चाहे वो भरी हो या ब्लैंक हो, ठीक है, ये परमिशन नहीं मांगेगा, ये डायरेक्ट रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमांड आती है हाँ, एक और चीज, ये जैसे MKDIR है ना, आगे फाइल फोल्डर या नेम भर देना है, ठीक है, नेम नेम मीन्स कोई भी नहीं, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझा देता हूँ, एनी नेम, ठीक है, एनी नेम कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पे राहुल, ठीक है, नरेश, या म्यूजिक वीडियोस, ठीक है, तो उस नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी, हर हर यहाँ पे एक, जैसे रिमूव करनी हो तो उस डायरेक्टरी का नाम लिखना हो, ठीक है, जैसे फाइल रिमूव करनी हो उसका भी नाम लिखना पड़ेगा, ये कमांड लगा के स्पेस देके फाइल नेम, ठीक है, देना जरूरी है, ठीक है, या डायरेक्टरी नेम, ठीक है, एनी नेम मतलब
या फाइल हो या डायरेक्टरी हो कोई भी, ठीक है। जिस नाम से भी हो, तो उसके पास हमारे पास एक कमांड आती है cd, सॉरी cd नहीं, cp, ठीक है। cp इज इक्वल टू कॉपी कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है mb मूव डायरेक्टरी या फाइल, ठीक है। सेम डायरेक्टरी या फाइल, ठीक है। कॉपी पेस्ट मूव, ठीक है। रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कमांड नहीं है, वो यहाँ से ही हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक कमांड तो रहेगी हमारी, वो कमांड है हमारी, ये सबसे ऊपर बनानी चाहिए थी। एक कमांड है हमारे पास ls लिस्ट शो, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड है हमारे पास हु एम आई, ठीक है। इसका है चेक दी, चेक दी यूजर। एक और है आईडी, चेक दी यूजर। इसमें एक है जो हमारा रूट यूजर होगा, उसकी आईडी यूआईडी, यानी कि यूजर आईडी 0 होगी, ठीक है। और जो ग्रुप आईडी होगी, जिसे हम GID भी बोलते हैं, जो GID होगी उसे हम ग्रुप आईडी बोलते हैं, तो वो होगी, वो भी 0 होगी रूट यूजर के लिए, ठीक है। ग्रुप आईडी होगी 0, ठीक है। एक और होता है हमारे पास, हाँ, खाली यूजर के लिए UID UID 1000 होगी, और ग्रुप आईडी वो भी 1000 होगी, ठीक है। इसे पता चल जाएगा कि खाली यूजर है या रूट यूजर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, सॉरी टूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल्स है, उसका नाम है विम, सॉरी विम, ये रुको, ये टूल्स हैं टेक्स्ट एडिटर वाले टूल्स। टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जो कमांड के थ्रू चलते हैं। एक तो हमारे पास टूल्स यही है, माउस पैड, जैसे नोट पैड होता है वैसे ये माउस पैड है, ठीक है। और जो जो टर्मिनल थ्रू चलते हैं, उनमें से कैट, टच, विम, ठीक है। एक और था, मैं अभी इन सब की वर्किंग दिखाऊंगा, ठीक है। और जो टच है, जो टच, ये सिर्फ एम्प्टी फाइल्स बनाती है,
ठीक है, ये मतलब ये सिर्फ एम्प्टी टैग एम्प्टी फाइल्स बनाएगी और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और कैट है हमारे पास, टच होगी, बीम, हाँ एक और है नैनो। जो बाकी तीन है ये बनाती भी है और उसमें डाटा भी एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कमांड आ गई है, ls-l, ये शो करती है शो दी परमिशंस, परमिशंस ऑफ डायरेक्टरी या फाइल, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ls-a, यूज फॉर, शो करती है हमें शो दी हिडन फाइल। उसके बाद हमारे पास कमांड है मैन, मैन के आगे कोई भी कमांड, सॉरी हाँ कमांड लिख दो, चाहे ls लिख दो ठीक है, या फिर ग्रिप लिख दो, कोई जो भी कमांड्स होती हैं ठीक है, ये टूल टूल के लिए तो हेल्प आ जाता है ठीक है। rm लिख दो ठीक है, तो उसकी एक डिक्शनरी ओपन कर देगा कि, और उसके आपकी मदद कर देगा कि ये कमांड किस लिए यूज़ होती है, फुल डिटेल बता देगा उस कमांड की ठीक है। उसके साथ कौन कौन से हम उसके और भी एडवांस सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है मैं आपको इसको भी करके बता दूंगा ठीक है। तो टर्मिनल पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, तो मैंने आपको PWD बता दिया था ठीक है, तो PWD एक मिनट, PWD हु एम आई, इसने बता दिया हम काली यूज़र हैं ठीक है। अभी हम जाएंगे रूट यूज़र में ठीक है, रूट यूज़र के लिए स्विच रूट कर दिए, यहाँ पे मैंने रूट का पासवर्ड भर दिया ठीक है, यहाँ पे मैं रूट यूज़र में आ गया। और हाँ एक मिनट, स्विच एक चीज़ बताना भूल गया, वो है हमारा आईडी ठीक है, इसने हमारी आईडी बता दी है UID 1000, ग्रुप आईडी 1000 ठीक है, और ग्रुप्स वो भी 1000 ठीक है, ये दो मेन होते हैं इससे आप पता कर सकते हैं ठीक है। अब हम जाएंगे रूट यूज़र में, यहाँ पे मैंने पासवर्ड भर दिया अपना रूट यूज़र का ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, और यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको ls नहीं ना हु एम आई, इसने बता दिया हम रूट यूज़र हैं ठीक है। और मैंने आईडी का चेक करके देखा तो इसने मेरा रूट यूज़र 0 बताया, सॉरी UID 0 यानी यूज़र ID 0 है और ग्रुप ID 0 है ठीक है। यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्लियर किया तो ये सारी कमांड्स चलेंगी। अरे कौन, मैं जरा काले में लॉगिन हो जाता हूँ।
क्लियर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास था एलएस करके, देखेंगे लिस्ट शो, हमारे ये डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड म्यूजिक्स, ठीक है, ये फोल्डर्स आ गए, और मैं सीडी करके यानी करंट डायरेक्टरी, अब चेंज मतलब दूसरी डायरेक्टरी में जाऊंगा, तो सीडी यानी करंट डायरेक्टरी कौन सी होनी चाहिए मेरी, डेस्कटॉप, ठीक है डेस्कटॉप। हाँ, और याद रखना ये जो काली है ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे, मैं डेस्कटॉप का डी कैपिटल है ना, तो डी कैपिटल है, यहाँ पे मैं स्मॉल करके बता देता हूँ आपको, तो इसने बता दिया डेस्कटॉप आपका कोई फोल्डर ही नहीं है, ये फाइल भी नहीं है, ठीक है, तो जो चीज़ जैसे ही है हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, डेस्कटॉप का डी बड़ा है तो डी बड़ा ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी चेंज होगी, और मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ और एलएस करता हूँ, तो अभी मेरी डेस्कटॉप ब्लैंक है, ठीक है, कुछ नहीं है डेस्कटॉप में, ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड थी सीडी डबल डॉट, ठीक है, वन स्टेप बैक करने के लिए, अब मैं फिर से एक स्टेप पीछे आ गया हूँ, ठीक है, अब मैं सीडी डबल डॉट स्लैश डबल डॉट करके देखता हूँ, अब मैं रूट यूजर में आ गया, सॉरी रूट डायरेक्टरी में आ गया हूँ, ठीक है, कैसे, क्योंकि जो ये सिग्नेचर है ये हमें शो करता है रूट डायरेक्टरी का, ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में पहुँच गया हूँ, ठीक है, यहाँ से क्लियर करते हैं, अभी मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा सीडी, यहाँ पे स्लैश होम काली डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ पे करके देखा, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में आ गया, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, अब मैं डेस्कटॉप पे हूँ, अब हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे या फोल्डर भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए होगा एम के डी आई आर, ठीक है, एम के डी आर है तो राहुल नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे ये देखो, और यहाँ पे एक राहुल नाम की डायरेक्टरी बन भी गई, इसको स्मॉल कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, अब मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ एम के डी ए आर नरेश नाम से, ठीक है, मैं एक और डायरेक्टरी इन डायरेक्टरी बनाऊंगा एम के डी ए आर, उसका नाम लिख देता हूँ राघव, ठीक है, तो अब मेरे को रिमूव करनी है डायरेक्टरी, तो उसके लिए आर एम स्पेस नहीं, आर एम डी आई आर, ठीक है, डी आई आर, और सॉरी क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ कमांड लिखी, लेकिन किसको डिलीट करना है वो तो बताया नहीं मैंने आपको, तो हम सॉरी बताया नहीं, मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम भी लिखूंगा साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आर एम डी आई आर स्पेस राघव के नाम से जो डायरेक्टरी बनाई गई है वो मैं डिलीट करूँगा, और ये मैंने डिलीट होगी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्टरी डिलीट होगी, तो क्लियर करेंगे हम एलएस करेंगे, अब मैं एक टच कमांड से टेक्स्ट एडिटर से एक फाइल बनाऊंगा ब्लैंक फाइल, और ये मैं सीडी कर लेता हूँ नरेश नाम पे, नरेश मतलब नरेश में एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा टच टच एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे मैं नरेश को ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखो तो एक एक्स वाई जेड नाम से एक टेक्स्ट फाइल बन गई है, ठीक है, अब मैं इस नरेश को रिमूव करना चाहूँगा, ठीक है, देखते हैं रिमूव होती है कि नहीं, तो मैं सीडी करके एक स्टेप बैक आ जाता हूँ एलएस, और यहाँ पे नरेश फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो आर एम डी आई आर करके यहाँ पे नरेश लिखेंगे, और इसने यहाँ पे फेल कर दिया, तो इसने क्या फेल के लिए क्या वो एक्सटेंशन बताया, फेल टू रिमूव नरेश, क्योंकि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है,
तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते इस कमांड से। तो उसके लिए आर एम स्पेस, आर एम स्पेस हाइफन आर एफ स्पेस नरेश, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे डिलीट कर दी। यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब मैं जाऊँगा राहुल फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सीडी करूँगा, यहाँ पे राहुल लिखा मैंने। या मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसा नाम है वैसा ही प्रिंट करना है, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर यहाँ पे के सेंसिटिव शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर राहुल का आर बड़ा लिख देता हूँ तो ये मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मैं राहुल फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक टच नाम, एक फाइल फिर से बनाऊँगा एक्स वाई जेड से, टच टच टूल से, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए एक फाइल बन गई है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को रिमूव करूँगा, आर एम स्पेस आई, सॉरी आई नहीं, हाइफन आई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, स्पेस एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो इसने क्या मांगा, रिमूव रेगुलरली एम्प्टी फाइल एक्स वाई जेड टी एक्स टी डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, तो इस फाइल को रिमूव करना है कि नहीं। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे यह वाई लिखना पड़ेगा, नहीं अगर आपको रिमूव करना है तो वाई लिखना पड़ेगा। अगर आप इस फाइल को रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो ये एन करना पड़ेगा। एन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये फाइल डिलीट नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ, ठीक है, और ये फाइल डिलीट होगी। चेक कर लेते हैं एल एस से लिस्ट शो करके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे फाइल डिलीट है। इसको ओपन करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो फाइल डिलीट हो गई। यहाँ से क्लियर कर लेते हैं आप, ठीक है। बैक आ जाते हैं, एक स्टेप क्लियर, ठीक है। एलएस, अभी हम हमारे डेस्कटॉप पर सिर्फ एक फोल्डर बना है राहुल नाम से, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम डेस्कटॉप पे हैं, हमारे पास एक सिस्टम फाइल है, ये ट्रैश है, ये होम है और राहुल है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये डेस्कटॉप पे ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा। ये जो ऑप्शन है ये रूट रूट फाइल पे जाने के लिए ऑप्शन है, ये रिसाइकल बीन का ऑप्शन है, ठीक है। ये होम डायरेक्टरी में जाने का ऑप्शन है, तो ये डेस्कटॉप पे नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे एक दिस पीसी का ऑप्शन होता है ना, वैसे ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे शो नहीं होते। तो एक फोल्डर हमारा डेस्कटॉप है वो है राहुल नाम से, ठीक है। तो हम अभी एक हमें हम ना एक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से हम इसमें फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। टच टूल से तो हमने देख लिया कि एम्प्टी फाइल बनता ही है, ठीक है। अब हम नैनो का यूज़ करेंगे, हम नैनो लिखेंगे, स्पेस करेंगे ए बी सी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये हमने कर दी टी एक्स टी, एंटर मारा, ये हमारा जी एन यू हो गया। इसका एक अपना ही एक टर्मिनल ओपन हो गया जिसमें हम अपना डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। डाटा एंटर करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल ओ दबाएंगे ताकि फाइल को सेव कर सकें, ठीक है। ये एंटर, यहाँ पे मैंने फाइल सेव करने के लिए एंटर कर दिया क्योंकि उसने नाम पूछा था कि यह चेंज कर सकते हैं वहाँ से ना। कंट्रोल और करके देख लेते हैं, अगर ए बी सी नहीं लिखना है तो यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूँ डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे देखो सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम, वाई करके यस भी कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे फाइल का नाम भी चेंज होता है, मतलब कि अगर हम जरूरी नहीं है कि हम सॉरी जरूरी नहीं है कि हम फाइल का नाम दें, ठीक है। जैसे हमने नैनो लिख दिया नैनो, ठीक है, हमने फाइल का नाम नहीं दिया और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें
कुछ भी लिखना। हाय लिख दिया, और भी कुछ? हाँ कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है कुछ भी। न्यू वेफर लिख दिया, यहाँ पे न्यू वेफर लिखा हुआ है, यानी कि ये फाइल अभी सेव किसी भी नाम से नहीं है। तो यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल ओ करेंगे, तो यहाँ पे ये एक फाइल नेम टू राइट, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ABC, ठीक है ABC लिख दिया डॉट TXT, या फिर मैं बिना TXT लिखते ही यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। तो नाम तो सेव हो गया, अब हम एग्जिट करेंगे, कंट्रोल X से एग्जिट करेंगे, और यहाँ पे एक ABC के नाम से फाइल नहीं बनी, रुको बनी यहाँ से, इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी क्लियर CD, राहुल में जाएंगे हम पहले। ओहो, क्योंकि हम होम डायरेक्टरी में, डेस्कटॉप में तो है नहीं, तो यहाँ पे CD, हाँ LS करके देखेंगे, यहाँ पे ABC नाम से ऑप्शन बन रखा है, तो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ABCYLS, ठीक क्लियर कर लेते हैं। CD/desktop/Rahul, ठीक है। हाँ क्योंकि इसमें स्लैश लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट CD के बाद डेस्कटॉप लिखना था, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हम राहुल नाम के फोल्डर के अंदर है, डायरेक्टरी या फिर डायरेक्टरी के अंदर है, तो यहाँ पे हम नैनो नैनो की हेल्प से एक फाइल बनाएंगे और लिख देंगे हाय एंड हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अब हम कंट्रोल को दबाएंगे सेव करने के लिए, सेव करने के लिए तो उससे पहले हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे XYZ दे देते हैं, .txt लिख देंगे, यहाँ पे एंटर मार देंगे, तो हमारी फाइल का नाम सेव हो गया और हमारी फाइल भी सेव हो गई है, तो एग्जिट करेंगे कंट्रोल X से, यहाँ पे LS करेंगे तो हमारे पास एक फाइल बन रखी है, टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा, हाय फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टूल की हेल्प लेंगे, उसका नाम है विम। विम नाम से हम ABC के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट, अभी यहाँ मैं कुछ भी टाइप लिखा हूँ, DHF, ठीक है कुछ नहीं करना, HGAS, तो इंसर्ट करने, हाँ एस को 2-3 बार प्रेस किया तो इंसर्ट मोड में आ गया, ठीक है। तो इंसर्ट मोड के लिए जाना क्या है आपको, या ए दबा लो या आई दबा लो, सॉरी या आई दबा लो, ठीक है, ऐसे कुछ बटन्स हैं इसके, तो इंसर्ट करने के लिए हम आई का यूज़ करेंगे, तो हम इंसर्ट मोड में आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे हेलो गाइस,
हाउ आर यू? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट मोड, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया, तो एक्सकेप से इंसर्ट मोड से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए हम की यूज करेंगे कंट्रोल कोलन, नहीं सॉरी शिफ्ट, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट कोलन, ठीक है, और डब्ल्यू राइट एंड क्यूट, मतलब एग्जिट करने के लिए। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारी ये फाइल बन गई है। अब इसको देख भी सकते हैं इससे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, विम, ये कि हमने एग्जिट, इसने हमें शो कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हमें एक यहाँ पे और कुछ एडिट करना हो तो, और वगैरह यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइन। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम शिफ्ट वाके फिर से ये करेंगे, सॉरी अभी हम इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड से बाहर जाने के लिए हम एस्केप बटन का यूज़ करेंगे, शिफ्ट मार, शिफ्ट करेंगे, उस शिफ्ट के साथ कॉलम यूज़ करेंगे, डब्ल्यू और क्यू लिखेंगे और एंटर मार देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, एबीसी के नाम से एक फाइल बनाई है जहाँ पे हमारा डाटा, जो हमने डाटा लिखा है, या हाय गाइस, हु हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है, सॉरी हु आर यू लिख दिया, हो जाती है कभी कभी गलती। तो यहाँ पे हाय गाइस हु आर यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, आई एम ऑनर ऑफ ए सर वो चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है कैट, टेक्स्ट एडिटर टूल है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम 1 2 3 QWE, ठीक है, डॉट TXT, ओ सॉरी, क्योंकि ये फाइल ऐसे काम, सॉरी ये टूल ऐसे काम ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, तो इसके लिए फाइल बनाने के लिए हम कैट के आगे स्पेस, ग्रेटर देन स्पेस, ऑलरेडी है, स्पेस ग्रेटर देन स्पेस QWE.txt, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम हमारी टैग, हम QWE.txt फाइल के अंदर हैं, यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिख देते हैं, ठीक है, या हाय फ्रेंड्स लिख देते हैं, तो सेव करने के लिए, तो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कैट लिखेंगे, क्यू सॉरी स्पेस देके क्यू QWE लिखेंगे .txt, तो उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमारी ये फाइल ब्लैंक बनी है, देखा। तो इसमें डाटा एंटर करने के लिए हम लिखेंगे कैट, ठीक है, ये यहाँ पे हाय फ्रेंड्स और से एंटर कंट्रोल, और देखते हैं अब,
यहाँ पे हमारा डाटा सेव हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस दोबारा ऐसे करके लिखेंगे तो ये डाटा ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो माय फ्रेंड्स लिखा है ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, माय फ्रेंड्स फ्रेंड्स हाय गाइस, हाय गाइस लिख देते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और फिर से इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे हाय फ्रेंड्स लिखा था, यहाँ पे मैंने हाय गाइस टाइप किया है, मीन्स हाय गाइस शो हो रहा है। ठीक है, ये डाटा ओवरराइट हो गया है। ठीक है, इसलिए डाटा को ओवरराइट ना करने के लिए इसके लिए एक और कमांड है, कैट। ठीक है, स्पेस ग्रेटर देन, दो बार स्पेस, डबल ग्रेटर देन सिग्नेचर। ठीक है, स्पेस क्यू डब्ल्यू ई डॉट टी एक्स टी, एंटर करेंगे तो हेलो गाइस, तो हमने लिखा था यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब चेक करके देख लेते हैं, ये देखो हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो उसके पास हमारे पास कमांड थी कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले हम स्टेप बैक आ जाते हैं। ठीक है, नहीं सब हाँ, तो हमें ls करके देखेंगे, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं जिसको हम डेस्कटॉप पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे cp यानी कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो xyz को हम डेस्कटॉप पे ले जाएंगे, स्लैश फुल पाथ देंगे, मतलब फुल पाथ मीन्स फुल लोकेशन, होम पे जाएंगे। ठीक है, ये स्लैश का मीन्स रूट रूट डायरेक्टरी होगी। ठीक है, होम पे जाएंगे, स्लैश करेंगे, फिर काली पे लिखेंगे, जो नेक्स्ट स्लैश है ना, ये मीन्स है कि होम डायरेक्टरी के अंदर एक काली डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाना है। ठीक है, स्लैश डेस्कटॉप पे जाएंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो हम देख सकते हैं xyz.txt की फाइल आ गई है। ठीक है, अब qwe.txt है, इसको हम कॉपी करेंगे और साथ ही साथ इसका नाम भी चेंज करेंगे। ठीक है, हम इसे सेम कमांड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे jkl.txt। ठीक है, और यहाँ पे नाम चेंज करेंगे QWE। ठीक है, QWE.TXT। ठीक है, एंटर मारेंगे, हमारे पास एक JKL आ गई है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ABC.TXT, QWE.TXT, XYZ। ठीक है, ये तीन फाइल्स हैं हमारे पास। जिन जिन में से XYZ को हमने कॉपी किया था और qwe.txt को हमने कॉपी और साथ साथ इसका रीनेम भी चेंज किया था। देखो हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, ये qwe का डाटा है और jkl का भी सेम ही डाटा है। देखो इससे यहाँ से हम उस हमने इस फोल्डर को qwe.txt सॉरी फाइल को हमने एक तो कॉपी किया डेस्कटॉप पर लिखा है और साथ ही साथ हमने उसका रीनेम भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास है abc.txt, हम इसको मूव करेंगे। मूव करने के लिए mv, फाइल का नाम है abc.txt, इसका पाथ देंगे
home/kali/ डेस्कटॉप का डी कैपिटल डेस्कटॉप ठीक है। अगर आपको इसका नेम चेंज करना है एबीसी का तो यहाँ पे हम twt twe लिख देंगे ठीक है .txt। अगर नहीं करना है तो ये ऐसे ही रहने दो ठीक है, तो स्लैश हटा देंगे हम, एंटर करेंगे तो ये देखो एबीसी यहाँ से गायब हो abc.txt फाइल यहाँ से गायब हो गई और ये यहाँ पे आ गई ठीक है। क्लियर करेंगे rm -rf ठीक है xyz.txt/abc.txt ट्राई करके देखते हैं ये एक साथ तीन फाइलों को डिलीट कर सकता है कि नहीं। abc.txt/jkl.txt एक्चुअली ये राहुल फर्स्ट आप बैक आएंगे, अब देखते हैं। हाँ इसने कर दिया, देखा एक साथ ही तीन फाइलों को डिलीट कर दिया। क्लियर करेंगे ठीक है, सीडी नहीं, और यहाँ पे हम राहुल नाम का फोल्डर भी डिलीट करेंगे राहुल ठीक है। क्लियर करेंगे ठीक है, तो मैंने आपको कुछ आगे कमांड्स बताई थी ls-l ठीक है, ls-l0 ठीक है ये हो गया। हम ls-l करके देखते हैं, तो इसने हमें बता दिया कि ये डायरेक्टरी है, rwx यानी कि रीड राइट एक्सिक्यूट है, ये हमारे ये परमिशंस होती हैं ठीक है। जो डी है ये होती है सिस्टम, ये सिस्टम मैनेज करता है कि ये डायरेक्टरी है या कुछ और ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फाइल है तो उसे हाइफन शो कर देता है, ब्लैंक कर देता है ठीक है। तो डी मीन्स डायरेक्टरी, रीड rwx यानी रीड राइट एग्जीक्यूट ये है रूट यूजर के लिए, रीड ब्लैंक है या हाइफन बोल सकते हो, एक्स ये हमारा काली यूजर के लिए यानी कि रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता डेस्कटॉप को। और यहाँ पे है ग्रुप यूजर के लिए, तो ये रीड स्पेस ये ब्लैंक रीड ब्लैंक एक्स यानी कि एग्जीक्यूट ठीक है। रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिल रखी है यहाँ पे इसको ग्रुप की तरफ से। और हमारे पास है ls-a, एंटर करेंगे, ये सिंगल डॉट है ये डबल डॉट है, ये हिडन फाइल्स को शो करता है ठीक है। जो ये डॉट है ये इन दोनों को जोड़े रखते हैं, डॉट्स को जोड़े रखते हैं ठीक है। जैसे हमने cd:// किया, हम एक स्टेप पीछे आ गए थे, तो ये उनकी उसकी हेल्प से आए थे पेशे ठीक है। जो सिंगल डॉट है ये इनको आगे आगे फाइल के साथ जोड़े रखता है ठीक है। कहाँ गया, जैसे मैंने cd लिख दिया, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, cd कर दिया, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप लिखेंगे तो हम डेस्कटॉप पे पहुँच गए ठीक है। cd किया, डबल डॉट किया, हम एक स्टेप पीछे आ गए ठीक है, तो ls तो डबल डॉट से हम स्टेप बैक होंगे। ये हमारे कुछ
मतलब ओपन सोर्स, मतलब कि लाइनेक्स, खाली लाइनेक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है कि सिंगल डॉट और डबल डॉट की हेल्प से क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने चेंज डायरेक्टरी की मदद से हमें पता चल गया कि क्या यूज़ होता है ये डबल सिंगल डबल डॉट क्या करते हैं। सिंगल डॉट की मदद से ये है कि सिंगल डॉट ने आगे से आगे जो फाइलों को अटैच कर रखा है, लिंक जिसे बोलते हैं हम, लिंक बना रखा है, ठीक है। डॉट प्रोफाइल लिखा है यहाँ पे, तो हम डॉट डॉट जो डॉट है वो लिंक है आके प्रोफाइल, जैसे हम सीडी प्रोफाइल लिखेंगे तो हम डायरेक्ट इस प्रोफाइल के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। सीडी कमांड उसी के लिए यूज होती है डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए, ठीक है। अगर कोई फाइल है तो उसके लिए हम नैनो का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या नोट माउस पैड का यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, ओपन करने के लिए। जहाँ पे सीडी कमांड फाइल को, टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। हाँ मैन, तो यहाँ पे मैं आपको मैन बता देता हूँ, मैन स्पेस एल एस, ठीक है। तो इसने उस एल एस कमांड की पूरी डिटेल्स निकाल दी, ठीक है। यूजर कमांड हाइफन में मैंने आपको बताया था कि ये हिडन फाइल शो कर देता है, तो इसने डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, ठीक है, ऑथर करेंगे, हाइफन एल लिखेंगे प्रिंट द ऑथर ऑफ द ईच फाइल, ठीक है। हाइफन बी, एल एस स्पेस हाइफन बी करेंगे तो प्रिंट सी स्टाइल एस्केप नॉन ग्राफिक उसके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको परमिशन चेंज करना सिखाऊंगा कि हम एक परमिशंस कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चेंज करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कैसा होता है। ये होता है हाइफन, ठीक है, अलग, ये फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप रीड राइट एग्जीक्यूट, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप रीड राइट एग्जीक्यूट, ये थर्ड ग्रुप हो गया रीड राइट एग्जीक्यूट, ये हमारा फोर्थ ग्रुप हो गया। जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है, वो सिस्टम मैनेज करता है, मींस मैनेज मतलब कि यहाँ पे जो होगा ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। हाँ ये फर्स्ट ग्रुप है, तो ये सिस्टम मैनेज करेगा, यानी कि डायरेक्टरी है तो डी डी बताएगा, ठीक है। अगर कोई लिंक होगा तो एल बताएगा, ठीक है। अगर कोई सॉकेट, नेटवर्क सॉकेट होगा तो एस बताएगा, ठीक है। ये सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड ग्रुप, जो सेकंड ग्रुप होता है ये रूट यूजर के लिए होता है, रूट यूजर की परमिशंस के लिए होता है। एक मिनट, इसको सी एच मोड कहते हैं, चेंज मॉडिफिकेशन परमिशंस, मतलब कि ये फाइल आप किसको ओपन कर, कौन ओपन कर सकता है, ठीक है, उसकी परमिशंस। अगर ये फाइल कोई आप एडमिन हो तो आप बताना दूसरे यूजर्स को, ये फाइल शो नहीं करना चाहते, सिर्फ एडमिन ही शो ओपन, एडमिन ही देख सकता है, तो उसके लिए आप सिर्फ रूट के लिए ओपन कर देंगे, बाकी के लिए ये बंद कर देंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सेकंड ग्रुप
किसके लिए होता है? सेकंड परमिशंस किस लिए देती है? रूट यूजर के लिए, ठीक है, ये रूट यूजर के लिए है, ठीक है। जो थर्ड होती है वो काली यूजर के लिए या फिर अदर यूजर के लिए, ठीक है। फोर्थ, जो फोर्थ ग्रुप होता है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। जो फोर्थ ग्रुप में होता है वो ग्रुप्स के लिए, जो ग्रुप यूजर होते हैं ये उसके लिए। ठीक है, ये उसके लिए मैनेज कर, परमिशंस को मैनेज करता है, ठीक है। तो परमिशंस को चेंज कैसे करते हैं? तो उसके लिए आर के लिए एक नंबर दे रखा है, आर के लिए नंबर 4 दे रखा है, ठीक है। डब्ल्यू के लिए 2 दे रखा है, ठीक है। और एग्जीक्यूट के लिए 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 7, ठीक है। तो कोई भी परमिशंस चेंज, हाँ एक और, अगर किसी को परमिशन ना देनी हो तो उसके लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ राघव के नाम से, सॉरी। सीडी डेस्कटॉप करूँगा, सीडी डेस्कटॉप पे ले आता हूँ पहले। अब फोल्डर बनाता हूँ एक राघव के नाम से, यहाँ पे फोल्डर बन गया है। तो आप परमिशंस को चेंज करने के लिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा परमिशंस को चेंज करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है डी आर डब्ल्यू एक्स। डी मीन्स वो सिस्टम मैनेज करेगा, आर डब्ल्यू एक्स यानी कि रूट के लिए, आर हाइफन एक्स ये काली यूजर के लिए, आर हाइफन एक्स ये ग्रुप यूजर के लिए, ठीक है। और जो फाइल, जो टेक्स्ट फाइल बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है हाइफन, ठीक है, आर एक्स, सॉरी आर डब्ल्यू एक्स, ठीक है, आर हाइफन एक्स, ठीक है। नहीं, जो सॉरी, ये फाइल के लिए, फाइल के लिए बता देता हूँ, फाइल के लिए होता है आर डब्ल्यू हाइफन, ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो भी होती है, जो टेक्स्ट फाइल होती है उसके लिए आर डब्ल्यू हाइफन, फिर आर हाइफन हाइफन आर हाइफन हाइफन, ये टेक्स्ट फाइल के लिए। रुको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। डी किसके लिए? ये सिस्टम मैनेज करता है, आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन एक्स आर हाइफन एक्स, ये हो गया बाय डिफॉल्ट। किसके लिए? डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। और हाइफन आर डब्ल्यू हाइफन आर हाइफन हाइफन आर हाइफन हाइफन इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी, सॉरी ये फाइल के लिए, फाइल टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे है, मैं अभी आपको चेंज करना, तो चेंज करने के लिए हम रूट यूजर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रूट यूजर का पासवर्ड भर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, एलएस करता हूँ, ठीक है। एज ए मैं रूट यानी कि रूट यूज, हाँ रूट यूजर से लॉगिन हो गया, यानी कि मैं रूट के फाइल्स को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए
हम लिखेंगे सी एच मोड, ठीक है। तो हमें राघव फोल्डर डायरेक्टरी है इसकी परमिशंस चेंज करनी है, ठीक है। ठीक है राघव, तो बाय डिफॉल्ट तो ये फर्स्ट जो फर्स्ट ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप होगा जहाँ पे वो तो सिस्टम मैनेज करेगा, ठीक है। पे दिखा देता हूँ जो ये है, ये फर्स्ट, ये तो सिस्टम मैनेज करेगा, ये वाला फर्स्ट ग्रुप तो सिस्टम मैनेज करेगा, ठीक है, बाकी तो हम करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी यूज़र को फुल परमिशन देनी हो तो उस पे आता है 7, ठीक है। तो हम पहले देंगे ग्रुप रूट यूजर को, रूट यूज़र को तो हम देंगे 7, ठीक है, यानी कि रीड भी देंगे, राइट भी देंगे और एग्जीक्यूट भी देंगे, ठीक है। हम काली यूज़र के लिए भी हमने ये दे दी और ये ग्रुप यूज़र के लिए भी हमने दे दी, ठीक है। तो आगे फाइल का नाम लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम राघव, तो ls करेंगे हाइफन l करेंगे, तो ये देखो जो हमारा जो राघव नाम का जो फोल्डर है उसे हमने सारी परमिशंस दे दी, ठीक है। अब इस परमिशन को चेंज करेंगे तो हम 7 तो करें, फर्स्ट जो फर्स्ट है वो रूट यूज़र के लिए वो तो हम 7 करेंगे, तो हमने बाकी कर दिए हाइफन हाइफन, ठीक है, एंटर मार दिया, सॉरी सॉरी, जब परमिशंस ना देनी हो, ठीक है, तो उसके लिए होता है 0, ठीक है, सॉरी ये बताना भूल गया आपको, तो जिसको परमिशंस ना देनी हो तो उसके लिए होता है 0, तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे, ठीक है। तो ls hyphen l करके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते इसने सिर्फ रूट यूजर को परमिशंस दी है, बाकी किसको किसी को भी परमिशंस नहीं दी, ठीक है, यानी कि ना उस फाइल को खोल सके या मतलब उस पर कुछ राइट कर सकते या एक्सिक्यूट कर सके, ठीक है, ना रीड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से चेंज करूँगा इस पर इसकी परमिशन को, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 4 4 4 में, यानी कि रीड के लिए, 4 रीड के लिए हम काली यूज़र के लिए भी 4 यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप यूज़र के लिए हमने नहीं, ओके, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप यूज़र के लिए 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा से, तो ये देखो यहाँ पे डी दो जो फर्स्ट ग्रुप है डी, ये सिस्टम ने मैनेज किया है क्योंकि ये डायरेक्टरी है, रूट यूज़र का रीड राइट एग्जीक्यूट है वो जो 7 था, ठीक है, और हमने जो काले यूज़र के लिए था वो सिर्फ रीड दिया था, बाकी सब ब्लैंक था, ठीक है, और ग्रुप यूज़र के लिए 0। और यहाँ पे मैं अभी दूंगा परमिशन सिर्फ रूट और काली यूज़र को, बाकी बाकी ग्रुप यूज़र के लिए 0 कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे ओपन करेंगे तो देखो डी हमारा फर्स्ट ग्रुप ये सिस्टम ने डिसाइड किया है, ये रूट यूज़र के लिए RWX, ठीक है, और RWX काली यूज़र के लिए, और यहाँ के ब्लैंक है, ठीक है। तो ऐसे हम अपना ये परमिशंस फाइल की परमिशंस को या डायरेक्टरी की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।